आज के दिन हम आप लोगों के सामने से कुछ पर्दा हटाएंगे जो कई हजार वर्षों से ढोंगी पाखंडियों के द्वारा पर्दा डाला गया है, और वही पर्दा हमें सत्य और धर्म से दूर करता है। धर्म और पाखंड के नाम पर चलाए जाने वाला धंधा इतना पुराना हो गया है कि हम तो हटा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी साथ देना होगा। कितने तो गलत पढ़ा करके, उल्टा उपदेश करके, रटु विद्या करके आकर के और समाज में भ्रांति फैलाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, जीवन के साथ धोखा करते हैं। और ये जितने विशेष करके तंत्र मंत्र चमत्कार करने वाले हैं, दिव्य आत्माएं, सभी सभी झूठे हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं सभी झूठे हैं। केवल विश्व में यदि सबसे बड़ा चमत्कारी है तो केवल एक सत्ता है, वह परम शक्ति सत्ता जो सूरज बनाई है। कोई सूरज बना सकता है आप में? चाहे कोई वैज्ञान सूरज बना सकता है? एक चमत्कार कर किया है जिसने धरती बनाया है, एक चमत्कार किया है जिसने यह फूल बनाया है, एक चमत्कार वह किया है जिसने हमको और आपको बनाया है, एक चमत्कार वह किया जिसने गंगा की धार बहाया है, एक चमत्कार वह कहा है कि बनाया है कि आकाश में तारा बनाया है, और एक चमत्कार वह बनाने वाला बनाया है दिव्य आत्माएं कि सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है, एक चमत्कार वह बताया है कि ऐसा माया रच दिया कि उसी माया में लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। वो प्रभु, वो विश्वनियंता, वो परम शक्ति सत्ता से बड़ा चमत्कारी कोई नहीं है। इसलिए अपना विश्वास परम शक्ति सत्ता ईश्वर और मां शक्ति पर करना चाहिए, यह संसारी और ढोंगी में नहीं करना चाहिए, ढोंगी पाखंडों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़ गया उसका जीवन सर्वनाश नहीं, सत्यानाश होता है। अरे बीमारी होती है तो कुछ समय तक सताती है, यदि दरिद्रता होती है तो भी समय से भोजन और वस्त्र नहीं मिलेगा, यदि आदमी का भवन नहीं है, मकान नहीं है तो कहीं रह सकता है, वह उतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन सत्य धर्म में आदमी जब धोखा खा जाता है तो उसकी एक नहीं 84 लाख योनियां जन्म लेने के लिए मजबूर होती हैं, उतना ही बार मरने के लिए मजबूर होती हैं। इसलिए धर्म का धोखा, धर्म पाखंडियों का धोखा से सतर्क रहना। कैसे सतर्क रहेंगे ये भी तो बात है, हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले यही जानेंगे कि जो अपनी ज्यादा बड़ाई करे ना, उसके पास कदापि फटकना मत। जो भर जाता है डब्बा, वो खड़खड़ाता, कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जा। जो स्वयं सतह हो, शांत हो, ठीक है। हम उस रास्ते से आए हैं दिव्य आत्माएं, जो आपको बता रहे हैं ना, उस रास्ते से आए हैं। हम भी कभी थे, सोचते थे कि हमें भी सिद्धि हो जाए, हमारे गुरुजी बताएं सिद्धि तो मिलेगी, लेकिन वो सिद्धि पर तुम्हारा अधिकार परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं चलेगा। हमने कहा चलिए यही सही, बैंक में खाता तो खुलेगा। दो प्रकार का खाता होता है, एक खाता होता है आपका स्वयं होता है, और एक होता है ग्रुप का होता है। जब दोनों लोग सिग्नेचर करते हैं तब पैसा निकलता है ना, है ना। तो हमने कहा चलिए यदि सिद्धि रूपी खाता खुल रहा है और हमारे गुरुजी के सिग्नेचर से ही खुलेगा तो चलेगा।